वो है संख्याओं का गुणज। संख्याओं का गुणज क्या होता है, इससे पहले आपको उसकी परिभाषा देख ली, यानी किसी संख्या को, किसी संख्या को एक दो तीन चार आदि संख्याओं से गुणा करते हैं तो उससे उससे प्राप्त गुणनफल संख्या का या संख्याओं का गुणज कहलाते हैं। क्या देखा आपने कि किसी संख्या को एक दो तीन चार आगे भी पांच छह सात आठ नौ दस संख्याओं से गुणा करते हैं तो उससे प्राप्त गुणनफल संख्याओं का गुणज कहलाते हैं। फिर आता है सार्वगुणज, एक या एक से अधिक संख्याओं का गुणज, एक या एक से अधिक संख्याओं के गुणज समान हो तो वह संख्या तो वह संख्याएं सार्व या उभयनिष्ठ गुणज कहलाते हैं। तो अभी आपने दो बातें देखी यहाँ पे, पहली कि किसी संख्या को एक दो तीन चार पांच छह सात से गुणा करते हैं तो उससे प्राप्त गुणनफल संख्याओं का गुणज कहलाते हैं। फिर आता है सार्वगुणज, यानी एक या एक से अधिक संख्याओं के गुणज समान हो तो वह संख्याएं सार्व या उभयनिष्ठ गुणज कहलाते हैं। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यानी पहली परिभाषा, किसी संख्या को एक दो तीन चार से गुणा करते हैं तो उससे प्राप्त संख्याएं होती है गुणज कहलाती है। तो मान लीजिए हमने लिखा पंद्रह, हमने पंद्रह के गुणज निकाल दिए तो हम क्या लिखा हमने कि संख्या को एक दो तीन चार से गुणा करने पर सबसे पहले पंद्रह इंटू एक ये हो गया पंद्रह एकम पंद्रह, फिर पंद्रह इंटू दो यानी पंद्रह दूनी तीस, फिर पंद्रह इंटू तीन यानी पंद्रह दिए पैंतालीस, फिर पंद्रह इंटू चार पंद्रह का पड़ा चार पंद्रह चौके सात इंटू पंद्रह इंटू पांच यानी पंद्रह पांच पचहत्तर। इसी प्रकार से हम छह से सात से आठ से जितनी बार वो कहेगी संख्या
का जैसे 15 का ये 5 गुणज बताइए, 15 के 6 गुणज बताइए, 15 के 7 बताइए, जितना उतना पूछे उतने आप बता सकते हो। और नीचे हम लिख देंगे अतः 15 के गुणज, 15 के गुणज। अब जो हमारा मान आया है इसमें या 15, इसमें 30, इसमें 45, 60, 75, इनको लिख 15, 30, 45, 60 व 75, जो कि इनका उत्तर है। अब इसी प्रकार आप किसी भी संख्या के गुणज ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरी परिभाषा देखिए, हमने एक या एक से अधिक संख्याओं के गुणज समान हो तो वह संख्याएं साध्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 2, 3 व 4, 1 साध्व गुणज बताइए, साध्व गुणज बताइए। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम लिखेंगे 2 के गुणज, 2 के गुणज वही है जो 2 के बारे में आते हैं। तो फिर 2 का बारे में 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 8, 2 × 16 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 20। इसी प्रकार को आप तो 3 के गुणज लिखने, 3 के गुणज, 3 के पढ़ाने के लिए ये लिखो 3 × 6 = 9, 3 × 9 = 12, 3 × 15 = 18, 3 × 21 = 27, 3 × 24 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30, 3 × 21 = 30,
यानी चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीय बारह, चार चौके सोलह, चार पंजे बीस, चार छंग चौबीस, चार सत्ते अट्ठाईस, चार अठे बत्तीस, चार नौ छत्तीस, चार चौके चार दस चालीस। अब आपको ये देखना है कि दो के तीन के गुणज में आपको विशेष चीज क्या देखिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो तीनों का पाड़ा में आती है। तो देखिए दो चार छ आठ दस यहां देखिए बारह, तीन के पाड़े में भी बारह और चार के पाड़े में भी बारह। तो बारह देखिए दो के पाड़े में भी है, तीन में भी है, चार में भी है। तो ये बारह तीनों में है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सार्वभौमिक गुणज। अब ये सार्वभौमिक गुणज आपको एक पाड़े में एक या एक से अधिक संख्याएं भी हो सकती है। तो देख और कोई दिख रहा है आपको इसके अंदर, नहीं है। अगर आपको वो कहे कि दो तीन चार के तीन सार्वभौमिक गुणज बताइए, या पांच सार्वभौमिक गुणज बताइए, या छह बताइए, या दो बताइए, तो जितने मिल रहे उतने ठीक है। अगर एक या एक से ज्यादा का पूछे तो आप इस पाड़े को आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे दो का पाड़ा बीस तक भी होता है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर सबके अंदर दो 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 प्लस करते जाएंगे। इसी प्रकार तीन के पाड़े में भी तीन तीन प्लस करते जाएंगे और चार के पाड़े में चार चार भी प्लस करते जाएंगे। इस प्रकार हमारी संख्याएं आगे बढ़ती जाएगी। और इस सवाल के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे अतः दो तीन व चार के कर सकते हो। और मैं यहां पर आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं, तो समय आप इनको हल कीजिए। जैसे पहले लिखे 17 और इस दूसरे में लिखा मैंने 22। इसका आपको इस पहले सवाल की तरह सारे गुणज निकालने और फिर 4 6 8 और 2 6 और 8 के सारे गुणज निकालकर हल कर रहे हैं। धन्यवाद।